नमस्कार मेरे एक्वेरियस मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी एक नई चर्चा शुरू की है, एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम शुरू किया है। आप मेरे साथ लाइव बात करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा लाइव प्रोग्राम ऑन फेसबुक एवरी वेडनेसडे इवनिंग रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से, जिसमें आप कोई भी एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। दुनिया में कहीं बैठे हुए आप मेरे साथ बात कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक के माध्यम से। अगर आप उसका थोड़ा सा ट्रायल लेना चाहते हैं तो उसको जरूर देखें। और हमेशा की तरह हाजिर हूँ एक बार फिर आपके मंथली फॉरकास्ट के साथ और बात करूँगा एक्वेरियस राशि की, आखिर क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात चली है कि एक्वेरियस के लिए ये समा जो है बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। अलग अलग तरह के एनालिसिस हैं, एनालाइज किया जिन्होंने अपने अपने तरीके से, और मैं अभी अपना एक नया जो अप्रोच होती है उसको लेके आता हूँ। तो कहना चाहूँगा कि महीने की शुरुआत में जहाँ हम देखते हैं कि कुंभ राशि, जिसमें कोई भी सितारा नहीं और आपका राशि लॉर्ड शनि यो वक्री हो गया है लाभ स्थान में बैठा हुआ, तो क्या इसका कोई दुष्प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा या इससे आपको लाभ होगा, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी होगी। तो उसके अलावा मंगल भी जो आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं वो छोड़ेंगे इस घर को और चले जाएंगे आप इस महीने में आपके 12th हाउस में। तो ये वरिंग थिंग इस समय दिखाई दे रही है। शनि से ज़्यादा अगर कुछ परिवर्तन की बात हो रही है वो लोगों आप लोगों के लिए, वो है मंगल का ट्रांजिट, क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान से जुड़े हुए प्लैनेट हैं। तो अगर कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जिसमें आपको प्रोफेशनली एक बड़ा चेंज लेना पड़ता है तो फिर आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। तो हम पहले बात करें हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हेल्थ, शनि रेट्रोगेट हैं, साथ ही साथ केतु आपके 12th हाउस में है, वहीं राहु का 6th हाउस में होना अपने आप में एक अच्छी बात है। कुंडली में बहुत सारी चीज़ें इस बार आपके लिए अच्छी हुई बनी हुई हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का यूं ही बुरा कह देना या उसको अलग तरीके से देखना शायद कई बार अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुंडली में अच्छी चीज़ें कई बार जो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और आपकी कुंडली में स्थितियाँ बहुत 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 अच्छी दिखाई दे रही हैं लेकिन उसमें कुछ उलझने भी हैं। तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा जो स्थिति है वो फोकस करनी होगी अपनी सेहत के ऊपर। अचानक से सेहत के ऊपर एकदम जैसे होता ना, अचानक से कोई चीज़ गिरी और आप एकदम सतबद रह गए कि ऐसा मैंने सोचा नहीं था, तो सडन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती हैं। ये बात अलग है कि आप उसमें से निकल जाएंगे, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। इन अनएक्सपेक्टेड जो इंसिडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, उनसे थोड़ा आपको बचना होगा, ये आपने ध्यान देना है। अगर आपके सेकंड हाउस की बात करूं, जहां पे है नीच राशि के बुध, मर्करी डिवेलेटेड होके बैठे हुए हैं और नीच राशि का बुध आपको पता है कि ये क्या करता है, और धन स्थान में बैठ गया, कुटुंब में बैठ गया, तो कुटुंब के कुछ लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से आपकी, जैसे कहते हैं ना आप थाली का बैंगन, आपके आगे पीछे घूमेंगे, या आपको भी ऐसी स्थितियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं जहाँ आपको भी किसी को फॉलो या चेस करना पड़ सकता है। तो इस समय ये जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं वो मतलब के दिखाई देते हैं, ये जो पैसा है उसको बचाने की, उसको इनकम को बनाने की कहीं ना कहीं बात बन रही है, और इसमें सबका लाभ छुपा हुआ है और अपने लाभ के लिए हर कोई आदमी जो है काम करना चाहता है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और जैसे आपकी तो राशि ही लाभ की राशि हमेशा कहता हूँ, और आप मेहनत कम करते हैं, और आपको मेहनत कम करने का मतलब है कि आप नहीं करते हैं, कम करते हैं, लेकिन जो आप सोचते हैं आपको उससे ज़्यादा मिलता है, तो कम को अगर इस तरह से आप समझे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो स्थिति कहीं ना कहीं देख रहा हूँ, लेकिन नीच का बुध आपको किसी उलझन में भी डाल सकता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक लालच ना करके, क्योंकि गॉड गिफ्ट जब होता है तो फिर उसमें अपने छोटे लाभ की बात नहीं सोचती है, उसमें अपनी मजबूती को देखना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो रिश्तों में भी कुछ इस तरह की स्थितियाँ कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। अगर मैं आपके तीसरे घर की बात करता हूँ, यानी कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, सूर्य वहाँ उठ के बैठे हुए हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि नो डाउट एफर्ट जो आपने पास में किए थे उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी फेवर हुई। तो एक समय ऐसा भी आया था तो बहुत कुछ आपके हाथों से निकल गया था, लेकिन इस समय सूर्य भी आपके पराक्रम में उचके होके बैठ गए हैं, वहीं मंगल इस घर को लीड करते हैं, तो मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो 12वें घर से आपके पराक्रम हाउस को देखेंगे, एस्पेक्ट करेंगे। तो मंगल और सूर्य का एक चतुर दृष्टि के साथ एक संबंध बनेगा,
ये दिखाएगा एडवेंचर, कुछ नया रिस्क, कुछ नई योजनाएं होंगी और इसका लाभ आपको मिले। ये जरूरी नहीं लेकिन सिबलिंग्स, क्योंकि तीसरे घर में सिबलिंग गया, उनको निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कि वो तरक्की करेंगे, वो विदेश यात्राओं में कामयाब हो जाएंगे, उनकी जॉब में एक नई चेंज आ जाएगी, वो जॉब नहीं मिल रही तो मिलेंगे, प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे और आपको एक बात करने का, एक हिम्मत का एक मौका मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये स्थितियाँ अच्छी हैं, तो इस तालमेल का हमें लाभ लेना चाहिए। वहीं सुख शांत की अगर बात करूँ, सुख हर तरह का सुख इसी में रहता है, लेकिन मैं मातृ सुख की पहले बात करूँ तो आपके सुख स्थान में वीनस जो इस राशि के लॉर्ड हैं, इस भाव के लॉर्ड हैं, इस समय मैं कहूँगा कि वो अपने ही घर में बैठे हैं, तो ये सुख आपको, असीम सुख जो है वो मिलेगा। आप सुख देने और सुख लेने में भी विश्वास करेंगे, तो निश्चित तौर पे सुख की कामना करने वालों के लिए ये समय निश्चित तौर पे बहुत 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 अच्छा होगा। पहले से बेहतर स्थितियाँ, जैसे मैंने कहा, कुंडली में बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। माँ मासमान औरतों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और साथ ही साथ यह प्लैनेट की पोजीशन दिखा रही है कि पिता से कहीं ना कहीं किसी विवाद की बात भी बन सकती है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप चीज़ों को लेंगे तो बहुत अच्छी बात उसमें होगी। अगर मैं बात आपके पंचम भाव की करूं, जिसमें बुध और बुध बैठ गए सेकंड, तो ये समय है परिवार में किसी के आने का, अतिथि देवो भवा, कोई गेस्ट आ सकते हैं, परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, शादी करके किसी को घर में लाया जा सकता है, तो कह सकता हूँ कि कुल मिला के परिवार में वृद्धि के योग बन चुके हैं। कुछ उठक बैठक जरूर होगी, कोई टायर्डनेस जरूर होगी, कोई टेंशन जरूर रहेगी, लेकिन समागम का समय, तो जिन लोगों को भी अभी तक बच्चे नहीं है, मैं कहूँगा आप बिना रुके बिना सोचे आगे बढ़ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नन्ही किलकारी आए, तो ये समय अति उत्तम समय एक्वेरियन के पास होगा। इनके संतान ऑलरेडी है, मैं कहूँगा संतान अच्छा करेगी, संतान के साथ अच्छे संबंध भी रहेंगे, संतान की कोई बड़ी चिंता भी इस समय में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक तो ये कहता है कि पुत्र के आगे पुत्र, यानी कि बच्चों के भी बच्चे होने का समय है, तो कुल मिला के इसका पूर्ण पूर्ण आनंद लें और ये स्थिति एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, उससे पहले हम पहुँचे, पहले एक रिश्ता हमारा बच गया है, वो है गृहस्थ जीवन। पारिवारिक जीवन में गृहस्थ जीवन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सातवें घर में जब मैं देखता हूं आपकी कुंडली में, तो सूर्य की राशि, और सूर्य इस समय उच्च राशि में है, शनि और सूर्य का एक हमेशा इन राशियों का शत्रु भाव देखा जाता है, लेकिन यहां पे आपके बिल्कुल सामने सूर्य और पराक्रम में आ जाए, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्थिति है वो एक समर्पण की स्थिति है, प्योरिटी की स्थिति है। जैसे सूर्य में कोई दाग नहीं है, उसका काम है बिना सोचे समझे एक समान काम करना, तो आप इस समय एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप किसी को वास्तव में ही मन से दिल से बिना किसी लालच से चाहते हैं, तो उसको प्रपोज करने का समय भी है, शादी के लिए उपयुक्त समय है, जीवन साथी की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका भरपूर साथ बना रहेगा और इसको आप आनंद से जियेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये सेलिब्रेशन का समय, जैसे पहले ही कहा कि अतिथि आ सकते हैं, कोई शादी करके घर में आ सकता है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, तो गेट टुगेदर का समय है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अब हम बात करें आपके घर गाड़ी की, तो घर गाड़ी चौथे घर में जब हम देखते हैं घर गाड़ी, तो शुक्र उसके कारक होके उसी में बैठे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्थितियाँ हैं, निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पोजिशन दिखाई हुई है। तो ये दिखा रही है कि ये घर गाड़ी आदि में आपको, और ख़ास तौर पे गाड़ी खरीदने में, चौपहिया वाहन लेने में, आठ पहिया वाहन लेने में, दस बड़ा ट्रॉला लेने में आपको आनंद आता है। आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए, आपका बच रहे तो आप प्लेन खरीद लें, तो ऐसी स्थितियां इस समय बन रही हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, और घर के अंदर का साजो सजावट में आपका शुक्र का काम है, मतलब ब्यूटी के साथ, तो आपको लगता है कि क्यों ना पेंट किया जाए, क्यों ना जो सोफ़ा सेट है नया ले लिया जाए, क्यों ना कुछ कर्टन नए लगा दिए जाएँ, घर के अंदर का माहौल आप अच्छा बनाना चाहते हैं, और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, इसका पूरा मुझे विश्वास है और इसका आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि सुख सुविधाओं को पाने के लिए हमें धन चाहिए, और धन के लिए हमें चाहिए काम, तो हम काम की बात करें, आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन जब हम देखते हैं, तो मंगल, जैसे कि मैंने पहले चिंता व्यक्त की कि मंगल जो अब तक आपके लिए लाभदायक थे, अब वो ट्वेल्थ हाउस में जा रहे हैं, इसी महीने में चले जाएंगे, तो ट्वेल्थ हाउस में जब वो जाएंगे तो परिवर्तन की संभावनाएं हैं उन लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, जो लोग किसी तरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या जिनकी
काम की चेन है, जैसे उनके पास फ्रेंचाइज हैं अलग अलग जगह पे, सिटीज़ में उन्होंने काम फैला रखा है, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो लोग एक छोटी जॉब करते हैं या एक ही स्थान पे जॉब करते हैं, कोई और ज़्यादा उनका रोल नहीं है, तो उनके लिए चिंता हो सकती है। लेकिन जिनकी नेचर ऑफ जॉब में, जॉब के दौरान जर्नीज हैं, जैसे हम कहते हैं एक पोस्टमैन है, एक डिलीवरी मैन है, तो ये चीज़ें हैं, इनमें एक होता है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे लोगों के लिए, काम करने वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक स्थान पर बैठ के करते हैं, उनके लिए दिक्कत जरूर हो सकती है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कुल मिला के मैं कहूँगा कि प्रोफेशन, जॉब और बिजनेस वालों के लिए बेहतरीन स्थिति आज की स्थिति में भी दिख रही है, और हो सकता है कि आपको इसको और आगे बढ़ाने के लिए हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़े, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं विशेष तौर पे, उनके लिए स्थितियाँ कैसी होंगी? तो मैं कहूँगा कि हाँ, अभी कुछ स्थितियाँ आप लोगों के लिए कमजोर हैं, हो सकता है कि इस समय में आपको सफलता ना मिले, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद कहीं ना कहीं जताए बैठा हूँ। अगर आप कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई बड़ी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। आपको अपने विश्वास के ऊपर ही विश्वास नहीं करना है, उसके ऊपर आपको एक्चुअली काम भी करना है, ताकि आपकी बात बन जाए। ये सब चीज़ें करने से लाभ होगा, यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। कुल मिला के अगर कहूँ तो ये महीना आप लोगों के लिए अचानक सडन चेंज से भरा हुआ है। चेंज आ सकती हैं और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, और कुल मिला के वो चेंजेस जितनी भी आप करेंगे वो आपकी फेवर में चली जाएंगे, क्योंकि आप वेल प्लान्ड हैं और लक या डेस्टनी या लाभ हमेशा आपकी फेवर में बना रहता है। तो कुल मिला के यही कहूँगा, इसको और बेहतर करने के लिए आप उपाय क्या करें? ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि उपाय क्या किया जाए, तो मैं एक सिंपल सा उपाय आपको देना चाहूँगा। कहते हैं कि आप जब मेहनत करते हैं तो अपने अंदर ईश्वर को देखने की कोशिश करें। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले मिरर में अपने आप को देखने की कोशिश करें, तो आपको अपने एनर्जी का, अपनी बाहुबल का एहसास होगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, बात बनेगी। और यही कहूँगा अंत में जाते जाते कि अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई दोष है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो 07-881-202-985 जी मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक के लाइव प्रोग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं, हर बुधवार 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को जरूर बताएं। बस इसी आशा के साथ कि आप सहयोग देंगे, मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।